आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है हम सब ठीक हैं आपकी दुआओं से। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया। अल्लाह ताला उन सब के रिक्स में बरकत दे, आमीन। और उनको हर बुरी नज़र हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन। यहाँ होने लगी है मेरी मॉर्निंग और मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए पराठा। और चले आइए बनाते हैं पराठा। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ पराठा। यहाँ मैंने इस पर ऑयल लगा दिया है और थोड़ा सा खुश्क आटा भी स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैं यहाँ लगाऊंगी कट। कैसे लगाती हूँ मैं कट, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब मैं इस आटे से बल बना के पेड़ा बनाती हूँ, ठीक है। आप लोग देखिए इस तरीके से बना करती हूँ। हाँ, मैंने अपना पराठा तवे पे डाल दिया है। जैसे ही यहाँ बबल्स बनना शुरू होंगे, ये थोड़ा चेंज होगा, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, पलटेंगे इसको और फिर इसमें हम डालेंगे ऑयल। चलिए जी, मैं इसको पलटती हूँ। एक हाथ से पलटना मुश्किल है तो मैं इसको ऐसे पलट देती हूँ। चलिए जी, ये मेरा पराठा तैयार होने लगा है और मैं अभी पराठा बनाने लगी हूँ। आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा अपने पराठे की रेसिपी। यहाँ अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी। देखते कैसे बनते हैं। वैसे तो मेरा पराठा बहुत ही अच्छा बनता है, मुझे कड़क पराठा पसंद है, पहले मैं बता दूँ। यहाँ मैं अपने पराठे को अच्छे से कड़क करूँगी क्योंकि आएगा आपकी कड़क पराठा। देख रहे हैं कैसे लेयर्स बन रही हैं इसकी। और देखिए कैसे ये लेयर्स बनती हैं इसकी। मेरा पराठा बहुत ही मज़े का होता है। जो जिन्होंने मेरे हाथ की रोटी खाई हुई है उनको पता होगा कि मेरे यहाँ की रोटी और पराठा कैसा बनता है। मैंने रेडी कर लिया था अपना नाश्ता। ये चाय, ये अंडा हाफ फ्राई और ये वही पराठा जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था। और फिर ये मैं नाश्ता करने के बाद आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। वैसे तो मुझे आज जाना था कहीं बाहर, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ से आपकी वीडियो, वहाँ जाकर आपको वीडियो जो है बना के दिखाऊंगी मैं कहाँ गई थी, क्या किया है वहाँ जाके। और उसके बाद जो है फिर हम मिलते हैं थोड़े से टाइम के बाद। तो मुझे नज़र आ गया कि आ गया है पानी का बिल, ये भी मैं दे देती हूँ। बिल देने के बाद यहाँ बैठी है बिल्ली और अब मैं जा रही हूँ बाहर। और पीछे पीछे रोड पर बाजार जाने के लिए, जैसे ही मैं पहुँचती हूँ फिर आपको बता। और यहाँ मैं आ गई थी 3 नंबर इन सारी शॉप्स पे, जो कॉस्मेटिक्स की शॉप है मेरे पास, दूसरी तीसरे नंबर की शॉप है ये, यहाँ मैं आ गई थी। यहाँ मुझे लेने थे कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान जो मैंने लिया। और इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती है, खास से जेन्युइन ही होती हैं और मतलब काफ़ी अच्छी प्राइस में ये भाई दे देते हैं। मैं और मेरी सिस्टर्स या हमारी फैमिली में से जिसने भी विज़िट करना हो, ज़्यादातर इनकी शॉप पर जाके
जो है हम ये अपना सामान वगैरह ले लेते हैं। और यहाँ आप देखेंगे इनके पास जो कॉस्मेटिक्स है वो बहुत अच्छी है। और आप लोग मुझे बताइएगा आपके कॉस्मेटिक्स में क्या यूज़ करते हैं ज़्यादातर फेस वॉश में, आप लोग किस ब्रांड का किस कंपनी का यूज़ करते हैं फेस वॉश वगैरह। और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इनकी शॉप, मतलब हमने मतलब जो भी शॉपिंग करनी हो तो हम यहीं आते हैं। स्पेशली हम मुजम्मिल वगैरह के जो बात सोप हैं और ये जो क्रीम वन है जो भी है ये इन्हीं के लिए जाते हैं। ये नंबर काफ़ी मशहूर शॉप है इनकी, जब भी आप लोग का जाना हो तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सेटिस्फाई होंगे। यहाँ मैं खाने लगी हूँ अपना डिनर, और आज का व्लॉग यहीं तक था। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हम सबका हाफिज़ नासिर है, आमीन। अल्लाह हाफिज़।